अस्सलाम वालेकुम, आज आप सबका फिर से स्वागत है इंडियन फूडी चैनल पर। और आज हम बनाने जा रहे हैं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बम्बई की फेमस शेवपुरी। तो उसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं पापड़ी। तो यहाँ पर हमने लिया है मैदा, इसी में डाल देते हैं जीरा, अजवाइन, नमक, सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसी में हम घी ऐड करते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। हाथ से हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ज्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है हमने। इसे हमने 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। आटे को हम थोड़ा सा मसल लेते हैं इस पर। अब इसकी ये साइज की गोलियां बना लेते हैं हम और इसे बेल लेते हैं। अब इसे बेलना शुरू करते हैं। इस फॉक से हमने इसे थोड़ा से होल कर लेने हैं। एक ढक्कन की मदद से हम इसके पापड़ी बना लेते हैं ये साइज में। इतनी पतली हमने बना लेनी है, ज्यादा पतली नहीं है, ज्यादा मोटी नहीं है। अब इसे हम तल लेते हैं। पापड़ी तलने के लिए हमने यहाँ पर इतना तेल लिया है जो कि गर्म हो चुका है। अब इसमें पापड़ियाँ डालते जाते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। सुनहरा होने तक इसे हमने तल लेना है। पापड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है और सारी पापड़ी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है। अब हम यहाँ पर हरी चटनी बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं हरा धनिया, इसे
इसमें आप चाहे तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इसी में डाल देते हैं हरी मिर्चें इस तरीके से तोड़कर। ये चने ले लेते हैं, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, नींबू का रस, नमक, चटनी हमारी तैयार हो गई है। खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए ये खजूर के बीजे निकालकर हमने इसे गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो लिया है। चटनी में जरूरत पड़ने पर आप यही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली को भी हमने गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो लिया था। इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब इसमें हम मसाले मिला लेते हैं। लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसे पीस लेते हैं। चटनी हमारी तैयार हो गई है और इसे अभी छानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने खजूर और इमली को गर्म पानी में भिगाया हुआ था, तो एक अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बन गया है। खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर हमारी पूरियां भी तैयार हैं, चटनी भी तैयार है, तो अब हम ले लेते हैं प्लेट में पूरियां। उस पे रख लेते हैं आलू। अब इसी पर हम ये बारीक कटी हुई प्याज रख देते हैं। बारीक कटे हुए टमाटर, अब इसी पे हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर रहे हैं। इस पे हमें नमक की जरूरत नहीं है। अब हरी चटनी डाल देते हैं। अब ये खजूर और इमली की चटनी। अब सेव डाल देते हैं जो हमने ज्यादा डालनी है इस पर। इसी पर हम हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेते हैं थोड़ा। हमारी शेव पूरी तैयार है।